नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने सरकारी हॉस्पिटल्स और उसकी चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर। जैसा कि इस समय डफरिन हॉस्पिटल बड़े चौराहे पर उपस्थित है, वहाँ पर डिलीवरी से रिलेटेड जो समस्याएं आम जनमानस को हो रही हैं, उसी समस्या को लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं एक तीमारदार, जिनकी कुछ समय पहले ये अपनी पत्नी की डिलीवरी को लेकर डफरिन हॉस्पिटल गए। क्या इनके ऊपर बीता, हम इनसे ही जानेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल, अगर हम डफरिन की बात करते हैं, तो वहाँ पर 24/7 14 से 19 सरकारी डॉक्टर्स की टीम सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है, जिसमें कि एनेस्थीसिया से लेके सीजेरियन से लेके देर रात्रि अगर किसी तरीके की कोई प्रसूति की समस्या होती है तो डफरिन हॉस्पिटल पूर्णतया सरकार की तरफ से तैयार दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तीमारदार अपने पेशेंट को लेकर देर रात्रि या किसी भी समय पहुंचते हैं, मुख्यतः ये समस्याएं देर रात्रि में आती हैं, तो वहां पर तीमारदारों के साथ किस तरीके का बर्ताव ये सरकारी डॉक्टर करते हैं, आइए हम जानते हैं उन्हीं तीमारदारों से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया, आपके साथ में डफरिन आप कब गए थे अपनी वाइफ को लेकर, कितना समय हो गया है? ये अक्टूबर में गया था, यही 11 तारीख को। अक्टूबर में गए थे जी तो जी कितने टाइम आप गए थे डफरिन, किस टाइम आपका जाना हुआ था? वहाँ मिसेस की डिलीवरी होनी थी जी और जो है वहाँ पर ले गए, करीब हम टाइमिंग वही करीब 10:30 के साढ़े दस आसपास। के आसपास था। तो वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर्स से क्या बातचीत हुई आपकी? डॉक्टर तो पहले आनाकानी कर रहे थे, काफ़ी देर मरीज बाहरी खड़ा होगा। जी हमने कहा उनको जो है पहले तो एडमिट कर लीजिए और फिर आगे देखिए, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है इनकी। जी लेकिन जी इन लोगों ने कोई किस तरीके की बातचीत आपसे हुई इनकी? दूसरी आप दूसरी कहीं दूसरी ले ले आइए, जाइए, ये हाँ बोला दूसरी गया। ले आइए जा करके, और हम आपका केस बहुत गड़बड़ है, ये है वो है। किसी आप तरीके की पैसे की डिमांड भी की गई थी आपसे, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या किसी तरीके की पैसे नहीं, की पैसे की डिमांड? डिमांड तो नहीं थी, लेकिन भूमिका कुछ ऐसी बनाई जा रही थी जी, कुछ इस विषय पर कि बताएंगे सर कि किस तरीके से आपसे पैसे की डिमांड के लिए वहां उपस्थित डॉक्टर या जूनियर वहाँ जो डॉक्टर्स बेजा द्वारा तो की इतना गई। भयभीत कर देते हैं इस जी मरीजों को, इतना ज़्यादा जो दिमाग जो होते जी हैं परेशान कर देते जी हैं कि या तो वो पैसे दे करके उन वहाँ पर एडमिट ले ले जी किसी तरीके से। जी जी तो इस तरीके से वो भूमिका वो बना लेते हैं, जी वो जी जी भूमिका बनाने के ये बाद बात सब जो सत्य है। है कई बार ऐसा सामने आया है, देखने में आया है कि अगर तीमारदार वहाँ अपना पेशेंट लेके जाता है तो वो तो ऑलरेडी इतना परेशान हो चुका होता है, और सामने से उसको हेल्प ना करके उससे तत्काल पैसे की डिमांड करना, ये बहुत ही शर्मनाक है इस संबंधित स्वास्थ्य विभाग के लिए। और मेरा निवेदन है प्रदेश सरकार से कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर त्वरित उन बिके हुए डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनमानस को किसी भी तरीके की कोई असुविधा भविष्य में ना हो। धन्यवाद।